सो हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइस। तो गाइस आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा एडिटर कैसे बना जाता है, मैं कैसे बना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैंने क्या क्या किया स्टार्टिंग में एंड आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको कुछ टिप्स दूंगा, 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट्स लगेंगे, उन पॉइंट्स को आप ज़रूर से फॉलो कीजिए एंड आई होप कि आप भी बहुत अच्छे एडिटर बन पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक मेरे ब्रदर का चैनल है जिसका नाम है यू आर ऑसम फोटोग्राफी। इस चैनल पर आपको फोटोशूट रिलेटेड, फोटो पोज, फोटो एडिटिंग, मैनिपुलेशन एडिटिंग एंड रिटचिंग वगैरह सारी चीज़ें जो भी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड होती हैं वो सब चीज़ें इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल को मैंने खुद से चेकआउट किया, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं ये अभी एंड अभी इनका चैनल छोटा है। तो इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनके चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इनके मोटिवेशन को और भी ऊपर लेकर जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सो गाइज हम आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 1 पे। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक्सप्लोर अनदर एप्लीकेशन। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं पिक्सआर्ट, लाइटरूम, स्नैपशीट, ये तो हर कोई ही यूज़ कर रहा है। बट अनदर एप्लीकेशन एक्सप्लोर करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एडिटिंग को स्टार्ट किया था, जब मैं कुछ नहीं जानता था यूट्यूब से, तो उस टाइम पर सर्च कर ही नहीं सकते थे क्योंकि यूट्यूब इस टाइप से चलता नहीं था। जैसे अभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब खोलता है, सर्च बार में जाता है, जो प्रॉब्लम होती है लिखता है, सर्च करता है, उसको वीडियो मिल जाती है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। उस टाइम पर ऐसा तो कुछ था नहीं। तो हमारे पास था सिर्फ प्ले स्टोर, एंड्रॉयड फ़ोन था, प्ले स्टोर था। तो प्ले स्टोर के सर्च बार में हम सर्च करते थे फोटो एडिटिंग ऐप्स। जैसे कि हमने ये सर्च किया तो मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, जब मुझको ना तो पिक्सआर्ट के बारे में मालूम था, ना लाइटरूम तो खैर अभी 2-3 साल से ट्रेंड किया है, तो उस टाइम पे पिक्सआर्ट था लेकिन उस टाइम पे मुझको मालूम नहीं था। तो मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन डाउनलोड किए, उनमें मुझको सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, तो मैंने डाउनलोड किया पिक्से प्रो। मतलब कि डाउनलोड किया नहीं, जैसे किसी ने बताया नहीं, वो मुझको मिल गया, जैसे कि लिस्ट में मिल जाते हैं एप्लीकेशन। उस टाइम पे ये एप्लीकेशन था फ्री, अभी ये पेड चल रहा है लेकिन आपको फ्री करना है डाउनलोड, तो मुझको बता देना। फ्री डाउनलोड की लिंक पिछली वीडियो में मैंने आपको दे दी थी, अगर हो सकेगा तो इस वीडियो में भी आपको मैं दे दूंगा। तो गाइज उस टाइम पर मुझको मिल गई थी फर्स्ट टाइम पिक्से प्रो एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन से सबसे पहले मेरा सपना था कि मैं अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर पाऊँ। तो उस टाइम पर जब मैं काफ़ी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर पाया एंड मैं बैकग्राउंड उनसे चेंज नहीं कर पाया, तब जब मुझको ये एप्लीकेशन मिली पिक्से प्रो एंड इसको 1-2 दिन मैंने एक्सप्लोर किया, अच्छे से सारे टूल्स को समझा, उसके बाद जब मैंने अपने पहले फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज किया, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी खुशी मिली थी उस टाइम पर, क्योंकि ना तो किसी ने मुझको बताया, ना ही मैं कहीं से सीखा। तो मैंने खुद से एक्सप्लोर करने के बाद जब मैंने पहली बार अपना बैकग्राउंड चेंज किया, तब मुझको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट यही बताऊंगा, ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो चीज़ अभी मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि पिक्सआर्ट चल रहा है, लाइटरूम चल रहा है, स्नैपशीट चल रहा है, ये एप्लीकेशंस तो चल रही हैं, ये चलेंगी भी, आपको यूज़ भी करना है, ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दो, आपको एक्सप्लोर करना है न्यू एप्लीकेशन। जैसे कि आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स। तो वहाँ पर आप जब सर्च कर लेंगे उसके बाद होगा क्या कि बहुत सारे एप्लीकेशंस, अभी तो और ज़्यादा एप्लीकेशंस बन रहे होंगे एडिटिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एडिटिंग का। तब आपको कोई एप्लीकेशन वहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लोर करनी है, कि आपको वहाँ पर सबसे पहले बाहर एप्लीकेशन कौन सी अच्छी लग रही है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जाने के बाद उसकी रेटिंग देखो, रेटिंग देखने के बाद उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं आपने देखा होगा प्ले स्टोर में, तो उनको देखो, अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ एप्लीकेशन कुछ हमको यूनिक दे सकती है तो उसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद उसको चलाओ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि 1-2 घंटे चलाए आपने, आपको समझ नहीं आया, आपने मार दिया अनइंस्टॉल, ऐसा आपको नहीं करना है। वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 1-2 दिन हर एक टूल को एक्सप्लोर कीजिए, क्या पता आपको उस एप्लीकेशन में कुछ यूनिक मिल जाए जो कि हमको ना पिक्सआर्ट दे पाता हो, ना लाइटरूम दे पाता हो, ना स्नैपशीट। एंड अगर आपको उसमें कुछ यूनिक मिल गया तब आप एकदम यूनिक कंटेंट अपने फ़ोटो में बना पाएंगे एंड लोगों को चौंका पाएंगे। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद से कोई ना कोई चीज़ एक्सप्लोर कीजिए ताकि आप भी अपनी एडिटिंग को और भी नेक्स्ट लेवल ले जा पाएँ। तो ये टॉपिक जो था, सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा, इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से कोई एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ यूनिक कर पाएँ। तो पहला जो पॉइंट था इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
सो गाइज पॉइंट नंबर 3 एंड लास्ट पॉइंट। सो गाइज पॉइंट नंबर 3 क्या होने वाला है? पॉइंट नंबर 3 है क्रिएटिविटी विद योर ओन माइंड। जैसे कि गाइज मैंने कुछ लोगों को देखा है, जैसे एडिटिंग का शौक तो बहुत रखते हैं, एडिटिंग करना भी बहुत पसंद करते हैं, बट करते क्या है, जैसे मान लो विजय मेहर की न्यू पोस्ट आती रहती हैं एंड उसके बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी बनते रहते हैं। आपने देखो होगा यूट्यूब पर उसकी न्यू पोस्ट का ट्यूटोरियल तुरंत आ ही जाता है, कोई ना कोई डाल देता है, कोई ना कोई क्या बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं उसकी एडिटिंग के। बट काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जो एडिटिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग ये करते हैं, जैसे मान लो विजय मेहर की न्यू पोस्ट आ गई, उन्होंने ट्यूटोरियल देखा, उसके बाद वही बैकग्राउंड डाउनलोड किया, वही पोस्ट किया, वही एडिटिंग कर दी, सारी PNG वगैरह जोड़ने के बाद वही कंटेंट बना दिया। अब आप ये बताओ कि विजय मेहर की जो पब्लिक है वो लाखों लाखों लोग देखते हैं उसे, लाख दो लाख लोग देखते रहते हैं उसे, तब उसका जो कंटेंट है वो तो एकदम यूनिक है, उसने जो क्रिएटिविटी की है वो अपने पास से की है, यूनिक की है, तो उसको लाखों लोग देख चुके। अब आप चाहते हैं कि हम एडिटिंग के ज़रिए बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पाएँ, बहुत सारी लाइक्स आ पाएँ हमारे पास, तब आप अगर विजय मेहर जैसा सेम कंटेंट अपने इंस्टाग्राम या और कहीं पर डाल देंगे तब आपको क्या पब्लिक देखेगी? आप खुद से सोच कर देखिए। जब तक आप अपने पास से खुद के माइंड की क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तब तक आपको पब्लिक देखना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी विजय मेहर को देख चुकी है। जब तक आपका कंटेंट खुद का यूनिक कंटेंट ही होगा तब तक आपको पब्लिक कैसे देखेगी? तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप उसके जैसा एडिट कर सकते हैं बट उसका ही कंटेंट उठाकर कॉपी मत किया कीजिए बिल्कुल भी। आप कहते हैं कि भाई ये एडिटिंग आ गई, इसका ट्यूटोरियल लाओ जल्दी, इसका बैकग्राउंड दो, PNG दो, सेम हम ऐसा बनाकर तैयार कर दें, तो गाइज ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हैं एंड एडिटिंग के ज़रिए आप बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं तब आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज़ आप बिल्कुल भूल जाइए। बस आप उसको फॉलो कीजिए, उसके फ़ोटो देखिए, उसकी फ़ोटो से इंस्पायर होइए, बट आप अपना खुद का यूनिक कंटेंट लेकर आइए, खुद का कंटेंट लेकर आइए, तब आप बहुत नेक्स्ट लेवल एडिटिंग भी कर पाएंगे, सबसे अलग भी बन पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था कि लास्ट में अपना पहला फ़ोटो दिखाऊंगा कि मैंने सबसे पहला फ़ोटो कौन सा एडिट किया था। तब अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मेरा एडिट किया हुआ सबसे पहला फ़ोटो। सो गाइज, ये थी मेरी सबसे पहली पिक। जिंदगी में मैंने सबसे पहली बार अपने पिक का बैकग्राउंड चेंज किया था। एंड गाइज, इस पिक को देखने के बाद आप हंसना मत, एंड इस पिक को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर मोटिवेशन जगाइएगा, ताकि मैं इस पिक से लेकर आज इस लेवल की एडिटिंग करता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, इसीलिए मैंने आपको ये पिक दिखाया। एंड इस पिक के बारे में कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी पहली पिक कैसी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड अलविदा।